हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको हरियाणा डिप्लोमा से जो भी बच्चा करना चाहता है, यानी कि पॉलिटेक्निक करना चाहता है और वो फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेता है तो उसे फर्स्ट ईयर का ईयर बेस में उसे कैसे मार्क्स लेने होते हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगी। और उसके अलावा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो हो वो आपको तुरंत मिल जाए और आपका पूरा का पूरा सिलेबस में आप अच्छे मार्क्स लेके पास हो सकें। तो इसी के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिकली इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर के, उसमें जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं ये आपके सब कॉमन सब्जेक्ट होंगे, जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, जर्नल वर्कशॉप और स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी। अब इन सब के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगी कि जैसे आपका फर्स्ट ईयर ईयरली सिस्टम होगा, ईयरली सिस्टम में जो पहला सेमेस्टर होगा वो आपके उसमें सिर्फ इंटरनल मार्क्स होंगे और इंटरनल जो पेपर होंगे वो आपके कॉलेज में ही होंगे। और कॉलेज में जो होने के बाद उसके बाद आपके जो पेपर चेक होंगे वो कॉलेज में ही चेक होंगे, लेकिन एक्सटर्नल के सामने चेक होंगे। और आपको टोटल जो पेपर के मार्क्स होंगे वो होंगे 100, 40 होंगे इंटरनल और 60 होंगे एक्सटर्नल, 40 इंटरनल्स एंड 60 एक्सटर्नल्स। जो 40 इंटरनल्स होंगे वो दो बार आपके इंटरनल होंगे, एक इंटरनल में दो यूनिट आएंगी, अगले इंटरनल में दो यूनिट आएंगी, 20-20 मार्क्स के पेपर होंगे। और उसमें जितने भी आप मार्क्स लोगे वो उतना ही अच्छा फायदा है, क्योंकि आपको जो एक्सटर्नल पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा, उसमें से कंपलसरी है कि आपको 15 मार्क्स लेने हैं। अगर 15 से कम लोगे देन आपका रीअपियर आ जाएगा। और इसलिए 15 कम से कम क्योंकि 16 एक्सटर्नल होगा, वहीं वो जाके पेपर चेक होगा तो उसमें मार्किंग थोड़ी हार्ड भी हो सकती है। तो इसलिए आप अगर 40 मार्क्स में जितने ज्यादा मार्क्स लोगे उतने ही आपको 60 मार्क्स में कम लेने पड़ेंगे, लेकिन मिनिमम आपको 15 मार्क्स लेने ही होंगे। तो ये है क्राइटेरिया आपके जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल स्टडी, ईजीडी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड आर्टिफिशियल इंटरनल, जर्नल वर्कशॉप और स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसका मैंने आपको बताया कि किस टाइप से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, जैसे प्रैक्टिकल इंटरनल आपके 25 के होंगे, एक्सटर्नल जो होगा जो बाद में सेकेंड सेमेस्टर में होंगे वो 50 मार्क्स में से लगेंगे, 25 इंटरनल और 25 एक्सटर्नल, और टोटल मार्क्स जो आपके होंगे वो 175 होंगे। तो ये है डिटेल अबाउट दैट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री का सिलेबस। जैसे कि आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो आपके एग्जाम होंगे उसमें 40 मार्क्स जो होगा इंटरनल होगा, जो 40 मार्क्स इंटरनल होगा उसमें आपके जो यूनिट्स आएंगी यूनिट वन और यूनिट टू। यूनिट वन जो है वो आपकी यूनिट वन में क्वेश्चन जो सिलेबस है, सबसे पहले है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। आपके कुछ केमिस्ट्री के बेसिक केमिस्ट्री कंसेप्ट होंगे जो आपने पहले भी 10th तक पढ़ा है, बहुत ही इजी यूनिट है, जैसे जनरल इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। मतलब इसमें सिर्फ आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, तो इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, अगर फिजिकल कंडीशन में देखें तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसियस हो सकता है। एग्जांपल आप लिख देंगे, जैसे सॉलिड स्टेट में जो भी मैटर मिलेगा हमें मैटर होगा एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। इसी टाइप से केमिकल क्लासिफिकेशन में आपको करना है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, उसकी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल टाइप ऑफ मिक्सचर एक्सक्लूडेड। ओनली आपको इसके क्या करना है, डेफिनेशन करनी है और उसका एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, सिंबल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। डेफिनेशन आपको करनी है एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल, सिंबल्स क्या होते हैं और सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाउ टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और उसे हम कैसे लिखते हैं। उसमें आपके क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, कार्बोनेट, अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फेरस, फेरिक और एल्युमिनियम आयन, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये 1.4 तक हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। इसी टाइप से कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें आपको एटॉमिक मास दे रखे होंगे तो उनको जोड़ के हमें क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर मास को निकालना होगा। और मास परसेंटेज किसी एलिमेंट की किस टाइप से निकालते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना होगा।
ओके, तो ये हुआ आपका फर्स्ट यूनिट जो आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सब आपको पढ़ना। तो इस टाइप से आप पढ़ेंगे यूनिट वन, यूनिट टू, उसके बाद में यूनिट थ्री, यूनिट फोर, ये सब यूनिट्स हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो आपको हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा ये आपके प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं, ये 10 प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको करने हैं। उसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है इसके इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट के मार्क्स के बारे में, और उस मार्क्स को देखने के लिए ये, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ताकि आप सिलेबस पूरा का पूरा जितना भी है हर सब्जेक्ट का सिलेबस आप उस लिंक के थ्रू देख सकते हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगी और मैसेज को पिन भी कर दूंगी। जैसे 20% सिलेबस आपका यूनिट वन और टू होगा, और फर्स्ट इंटरनल जो होगा उसमें 2 यूनिट आएंगी, सेकंड इंटरनल में अदर 2 यूनिट आएंगी, और 40% मार्क्स का पेपर हो जाएगा, और जो फाइनल एग्जाम होगा वो 60 मार्क्स का होगा, उसमें 6 यूनिट्स होंगे। तो 6 यूनिट्स पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, 2-2 यूनिट का पेपर देके उसमें मार्क्स अच्छे लेना आसान काम है। तो आप इसमें अगर अच्छे मार्क्स ले लेंगे, तो इसमें अगर थोड़े कम भी मार्क्स आएंगे तो भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और पास हो सकते हैं। तो ये है आपका डिप्लोमा के केमिस्ट्री का सिलेबस और पूरा का पूरा क्राइटेरिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपका रिलेटेड टू केमिस्ट्री सिलेबस ऑफ यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट वाइज आपके पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।